शिवरात्रि है आज, आज सावन की शिवरात्रि की बात करते हैं। आज श्रावण शिवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और यूपी सहित देश के कई शिवालयों में विशेष रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव के अतिप्रिय श्रावण मास की शुरुआत 25 जुलाई रविवार से हो गई है और यहां पर आपको ये भी बताएं कि इस बार श्रावण का महीना 30 दिन का न होकर 29 दिनों का ही रहेगा। और आज श्रावण मास की शिवरात्रि, श्रावण वैसे भी भगवान शिव को बहुत प्रिय और उसमें भी आज इस महीने की शिवरात्रि का पर्व है, तो बहुत विशेष आज शिव भक्तों के लिए और इसीलिए शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और ये पूरे भारत में हो रहा है। आज सावन की शिवरात्रि का पर्व, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्साहित भक्त शिव भक्ति में लीन सुबह सुबह शिवालयों में पहुंचे और दूध और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त दो अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश पांडे काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास, काशी विश्वनाथ मंदिर। नीतीश, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो वैसे भी हर दिन सुबह शिव भक्तों की एक भीड़ सी लगी रहती है, वहाँ पर एक लंबी कतार देखी जाती है जो जल चढ़ाना चाहते हैं या दूध अर्पित करना चाहते हैं, और आज तो शिवरात्रि है तो आज तो बहुत ही विशेष हो रहा होगा सब कुछ वहाँ। हम नीतीश के पास चलेंगे। देहरादून से विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टपकेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन पहले हम शक्ति सिंह के पास चलते हैं गाजियाबाद। शक्ति, गाजियाबाद के जिस मंदिर के सामने आप मौजूद हैं वहां पर भक्तों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है आज के दिन? देखिए, अगर भक्तों के उत्साह की बात करें तो ये प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर है। इस समय हम प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में है। प्राणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि जो रावण के पिता थे उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और कहा यह जाता है कि यहाँ श्रावण मास में जो भी कोई भगवान शिव पर जल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि का दिन है। महंत नारायण गिरी हमारे साथ हैं, महन जी बताते हैं। महन जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस मंदिर की विशेषताएं क्या है और आप हमें, आपके साथ हम अंदर भी चलना चाहेंगे। ये दुधेश्वरनाथ मंदिर जो है रावण के पिता विश्वस्रवा ने स्थापना की थी। पहला रावण ने यहाँ पर अपना शीश चढ़ाया था। बहुत प्राचीन और विशेष रूप से सावन महीने में यहाँ पर भक्तों का जो है बहुत दर्शन करने का तत्ता लगा रहता है। यहाँ 40 दिन का पूजा करने के मानता है, उसको करने से जो है वो उसका मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये श्रीपंत स्थान जूना अखाड़ा की परंपरा में जो है प्राचीन मंदिर, जिसमें से कि मैं महंत नारायण गिरी जो है यहाँ 15वां महंत हो गया, तो हजारों साल पुराना मंदिर है। प्राचीन साल में कालांतर में जैसे गाय आती थी यहाँ दूध निकलता था अपने आप ही, तो स्वतः ही तो दूध से प्रसन्न ईश्वर दूधेश्वर इस रूप में जो है भगवान की यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। देखिए, हम महन जी के साथ अंदर भी चलेंगे और जो जो भक्तगण यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, मंदिर में नहीं पहुँच पाए हैं, उन्हें अपने दर्शन कराएंगे शिव भोले का। और गर्भगृह की तरफ हम इस समय चल रहे हैं, महाराज जी के साथ चल रहे हैं। और जो लोग घरों में बैठे हैं वो भगवान भोले की जो तस्वीर है यहाँ से लाइव देखेंगे, जो दर्शन है पिंडी के। बिल्कुल शक्ति, आप पहुंचिए गर्भगृह तक, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच रुक करते हैं देहरादून का। विनोद कुमार हमारे सहयोगी टपकेश्वर मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, यहां किस तरह की रौनक आप शिवालयों में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज तक देखिए मैं टपकेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ और आज शिवरात्रि का जिस तरीके का पर्व है, सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता जुड़ा हुआ है और लगातार इस टपकेश्वर मंदिर में जो भी शिव भक्त हैं वो आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज का क्या महत्व है, शिवरात्रि का क्या महत्व है, क्योंकि इस बार श्रावण मास शुरू है और ऐसे में शिवरात्रि का आज का पर्व है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं पंडित विपिन जोशी जी हैं। सर, आज शिवरात्रि का महापर्व है, लगातार सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ है, किस तरीके से आज पौराणिक महत्व क्या है? सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को आज महाशिवरात्रि पर्व की खूब बधाइयाँ, खूब शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। भगवान शंकर सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं हर मास में एक शिवरात्रि आती है और एक जो है शिवरात्रि हमारे साल में आती है, तो यों तो हर मास की जो शिवरात्रि है उसका बड़ा महत्व है। और जो एक
फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि आप जानते हैं, जिसमें पूरे देश में हम महाशिवरात्रि के नाम से जिसे जानते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये जो मासिक शिवरात्रि जो आज श्रावण मास में पड़ रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि कहते हैं अगर मान लीजिए किसी कारण से आप पूरे श्रावण भर भगवान शंकर को जल अर्पित नहीं कर पाए, भगवान शंकर की पूजा नहीं कर पाए, तो आज मास शिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव को जो है भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जल अर्पित करते हैं, बेलपत्री अर्पित करते हैं, अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो सारे देवताओं को तो खजाने बांटते हैं, सारे देवताओं को हर प्रकार का वैभव देते हैं, लेकिन खुद जो है शमशान में वास करते हैं, और आप जैसा कि जानते हैं, और खुद नागों की माला पहनते हैं, और एकदम उनका एकदम साधारण सा लिवाज है, साधारण सा पहनावा है, जो संकेत करता है हम कितने भी ग्लैमर में रहें, कितने भी चकाचौंध में रहें, कितनी भी दुनिया आगे जो है ग्लैमर में फंसे, लेकिन हम लोगों को जो है सरलता के साथ, सादगी के साथ रहना है। गुरु जी, जिस तरह से भक्तों का तांता जुड़ा हुआ है लगातार इस मंदिर के साथ साथ, जितने भी शहर के अलग मंदिर है, शिवालयों में भीड़ है, शिव भक्तों की जलाभिषेक कर रहे हैं, तो किस तरीके से भगवान शंकर और माता पार्वती उन सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं? जी, निश्चित रूप से इस बार संख्या की अगर हम बात करें, चूँकि एक संभावित तीसरी लहर की लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा एक भय तो है, आप देख रहे होंगे, आप लगातार कवर करते हैं यहाँ पे, इस बार संख्या काफी कम है, और कांवड़ यात्री संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध है, तो आज रात से ही जो है यहाँ पे कांवड़ यात्रियों की बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं। देहरादून के अलावा भी देश के अन्य भागों से भी कांवड़ यात्री आते हैं। जी ठीक है विनोद, स्वाभाविक तौर पर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है लोगों के मन में, और जैसा कि अभी कह रहे थे पुजारी जी कि इसका भय है, और इस वजह से जो सामान्य रूप से जो संख्या रहती है मंदिर के सामने वो कम है। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ऐसा है वाराणसी में, ये जान लेते हैं। नीतीश से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या वैसा ही उत्साह है भक्तों में जैसा कि हर वर्ष सावन की शिवरात्रि को होता है, या इस बार दृश्य कुछ अलग है? राजेंद्र जी, भीड़ थोड़ी कम है लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं है। ये जो भक्त हैं आप देखिए, ये दूर दूर से आए हुए हैं और ये यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं, और सभी भक्त जयकारे लगा रहे हैं। कैसे जयकारा लगाते हैं आप लोग? हर हर महादेव! चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी के सभी यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर आज किस उद्देश्य से पहुँची है, कौन सा खास दिन है और क्या क्या किया आप? आज शिवरात्रि है और तेरस है। इस दिन शिव जी को शाम और सुबह दोनों पूजा किया जाता है, और तेरस में लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और जितना सुगमता से अपना रुद्राभिषेक कराते हैं, चाहे जो भी है। मान्यता क्या है आज के दिन दर्शन करें, चूंकि सावन माह की आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि हर मास में पड़ती है लेकिन सावन माह में शिवरात्रि का क्या खास महत्व? इसलिए कि शिवरात्रि सावन में पहली बार पड़ा है, हर बार नहीं पड़ता है, तेरस और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ा है, यानी मान सम्मान और इसके साथ ही ध्यान का पूरी तरह से आज पुण्य मिलना है। तो आपसे जानेंगे क्या क्या किया, कैसे किया? हम लोग हर बार तो इलाहाबाद से आते हैं, अब की बार हम लोग बनारस से ही बनारस जल डाले हैं। सीवड़ यात्रा बंद है लेकिन आप लोग यहीं से ही? हाँ, यहीं से ही कर लिए हैं हम लोग। हाँ, आप बताइए क्या क्या किया आप लोग? हम लोग जो है बनारस के वासी हैं, काशी के। हर साल हम लोग इलाहाबाद जाते थे, इस बार इलाहाबाद नहीं गए कोरोना लॉकडाउन से। हम लोग जो है दशाश्वमेध से ही जल उठा करके बाबा विश्वनाथ। ठीक है नीतीश, इस बार जो कांवड़ यात्री बनारस से इलाहाबाद जाके संगम का जल लेकर आकर वापस बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते थे, वो इस बार इन्होंने नहीं किया है, ये इनकी बात से जाहिर हो रहा है। इन्होंने वाराणसी से ही गंगा जल लेकर भगवान शंकर को अर्पित किया है, और स्वाभाविक तौर पर इन्हें मालूम है कि आज शिवरात्रि है और इसका विशेष महत्व है शिव की आराधना में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद, नीतीश और शक्ति ने हमें रिपोर्ट किया गाजियाबाद।